कोलकाता स्टूडियो के साथ स्टेशन के साथ भी एक लिंक किया, बंगाली में इंटरव्यू किया, थोड़ा बहुत जितना भी बोल सकती हूँ उतना बोली। तो मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो जरा यू नो आंखें खुलते खुलते देर लगती है, तो हंसी मजाक में फटाक से आंखें खुल जाती है। इट वॉज फन, कहानी की बहुत सारी बातें हुई, मैंने इनको सुजॉय घोष के बारे में कुछ सीक्रेट्स बताए। सुजॉय बहुत मजाकिया है, बहुत एक्सेंट्रिक भी है, कभी कभी बच्चे की तरह है। तो मैं वो एक शॉट के पहले हमेशा एक सिंटिलेटिंग डांस करते थे, मैं वो डांस करके नहीं दिखाऊंगी, जब आप लोग उनका इंटरव्यू लेंगे तब उनसे पूछेगा। और उनका अटेंशन स्पैन जो है बहुत छोटा है, बच्चों की तरह है। तो आपसे एक बात कर रहे होते, बीचों बीच कुछ और बात करने लगते, फिर किसी और से बात करने लगते। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको फंसाने वाली हूँ, क्योंकि शूटिंग के बीच ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा, वो ऐसे ही कुछ कर रहे थे और जंप करते रहते हैं फ्रॉग की तरह। मुझे याद है पहली बार जब मैं उनसे मिली पार्क के सेट पे, वो मिस्टर बच्चन से मिलने आए थे। मुझे कॉफी की आदत है, मैं आपसे एक घंटा बात कर लूँ तो दो कॉफीज पी लेती हूँ, ये मेरी खराब आदत है। पर उस वजह से मीटिंग्स जब होती थी तो मेरे ख्याल से बहुत सारी कॉफीज पीते थे हम लोग। हाँ, और सुजॉय मेरे पास एक स्क्रिप्ट लेकर आए जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास एक के बाद एक आइडियाज लेकर आऊंगा जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। मैंने कहा हाँ, ये बहुत सुना है, आगे बढ़ो। पर वो एक्चुअली बहुत सारे आइडियाज मेरे पास लेकर आए, पर ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग गया और तुरंत मैंने कहा कि यू नो लेट्स यू डेवलप इट एंड वील सी। पर जब तक स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी मैंने हामी नहीं भरी, क्योंकि मुझे टाइम लगता है हाँ कहने में, ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू बी कम्प्लीटली श्योर दैट दिस इज अ फिल्म आई वॉन्ट टू डू। पर उन्होंने पेशेंटली मेरा वेट किया एंड थैंक गॉड वेट किया। ऑफकोर्स मैंने इसमें एक्टिंग के अलावा और कुछ किया नहीं है ऑफिशियली, बट सुजॉय जिस तरह के डायरेक्टर हैं, परिणीता के बाद शायद लगा कि इस हद तक मैं किसी फिल्म से जुड़ी हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बॉम्बे के बाद कोई शहर मुझे अच्छा लगता है तो वो है कोलकाता। लगता है कि मैं वही की हूँ, मैं वोट करूंगी, पर सीक्रेट बैलेट है तो मैं आपको बताऊंगी नहीं कि किसके लिए वोट करूँ।